अब देखो भरत सिंह वालिया से इसका हो गया नाम भरत सिंह दिवालिया। बिलाल अबोवन की जंग होती ना, मैं अपना क्लासिक जीता हूँ, मेरी क्या जंग होती यार से। हेलो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन आयल बादल ने भरत सिंह बाले को क्यों अय्यास बताया, उसका कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। साथ ही हम बात करेंगे अली बिलाल ने भुवन चौहान को क्यों बोला कि हम दोनों कोई कंपेरिजन नहीं है, वो छोटे मोटे शो जीत सकता है। तो पहला अपडेट में हम बात करेंगे इंडियन हल्क बादल की। उन्होंने दोस्तों भरत सिंह बालिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें बोल दी। उन्होंने बोला कि भरत सिंह बालिया हिंदू मुस्लिम करते हैं और मॉडर्न साधु बन के अय्याशी करते हैं। दोस्तों उसकी कुछ क्लिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बाकी आपको अगर कंप्लीट डिटेल में देखना है तो आप इंडियन हल्क बादल चैनल पे जाके उसका कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हो। क्योंकि ये बंदा खुद ठरकी है, ये साधु बोलता है अपने आप को। जो बंदा खुद ठरकी होगा यार, अगर मैं ठरकी हूँ तो मैं खुद बोलूँगा भाई मैं ठरकी हूँ। अब आपको बोलूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, पीछे जाके मैं फिश खाऊँ खांसी हो गई, देखो दिवालिया निकल गया इसका। कंसर्न इज दैट ओनली कि मुझे डॉक्टर ने बोला, मुझे जो है मेरे ट्रेनर ने बोला कि तू मरने वाला है तो फिश खा ले, नहीं तो जिंदा हो जाएगा कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ भी यार। ये भाई जिसकी कोई मतलब पूंछ नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो भाई तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा बोले। अब लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि अब लोग तो ये सोचेंगे ना बादल भाई ने टट्टी लगा दी, लोग तो ये सोचेंगे ना। तो भाई तू किसी के मुंह पर अगर कुत्ता लगा रहा है और उसके बाद शेयर कर रहा है तो गलती तो तेरी है। अब मैं अगर तेरे मुंह पर टट्टी लगाऊंगा तो मेरी गलती है ना यार, अब दूसरी गलती थोड़ी बोल सकते हम। तो ऐसे काम मत करा कर भाई, बहुत गलत है ये। और बाद में फिर तू माफ़ी मांगने लग जाता है जब कुटाई होने के चांसेस आते हैं, तो ऐसे मत करा कर भाई, धर्म सबके धर्म होते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे अली बिलाल की। दोस्तों भुवन चौहान ने कुछ टाइम पहले लाइव आके अली बिलाल के लिए बोला था कि बॉम्बे प्रो शो में इसलिए नहीं खेले कि वो मुझसे हार जाते, उनको मुझसे डर लगता था। दोस्तों इसी बात को लेके जब हमारे बिक्की मलिक है ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग से, उन्होंने अली बिलाल से भुवन चौहान के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट किया। उसका कम्प्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कि आप मुंबई प्रो शो में क्यों नहीं खेले, क्योंकि काफी ज्यादा हाइप था एंड हम चाहते थे कि अली बिलाल वर्सेस भुवन चौहान की जो जंग है वो देखना। अली बिलाल और भुवन की जंग होती ना, मैं अपना क्लासिक जीता हूँ, मेरी क्या जंग होती यार से। तो ये तो कंपैरिजन तो फेयर नहीं है, पर खैर मैं आना चाहता था यार, ऑनेस्टली मैं चाहता था कम्पीट करूँ। फिर जब मैं अमर क्लासिक जीता, फिर मेरे कोच ने बोला यार ओलंपिया के बाद अमर क्लासिक सबसे बड़ा टाइटल है, अब तुम उधर जाके क्या प्रूव करना चाहते हो? ठीक है ना, मैं थकन होगी, इतना इतना सफर है, दो किसी और को ट्राई करो। वो भी मैं अर्नो क्लासिक अगर आप जीतते हो तो वो तो नहीं करेंगे ना कि किसी किसी को किसी एरे एरे एथलीट को उठा के वो अर्नो क्लासिक विनर से जिता देंगे। ठीक है ना, अगर ब्रेंडन हैंड्रिक्सन आता वो ऑफ सीजन में भी आता तो फिर भी उधर जीत जाता, क्योंकि वो मिस्टर ओलंपिया है। एग्जैक्टली, ये बॉडी बिल्डिंग ऐसा है, मिस्टर ओलंपिया के बाद अर्नो क्लासिक सबसे बड़ा टाइटल है। अगर आपके पास टाइटल होगा तो आप जिससे भी कम्पीट करोगे ना आप जीतोगे, क्योंकि आपके पास टाइटल है। तो मेरा फायदा ही नहीं था ना उधर जाने का, क्योंकि एक एक मोमेंट आता है जब आप कहते हो बस है ना कर लिया, जितना प्रूफ करना था कर लिया ना। ओके ओके ओके। तो रिसेंटली सर मुंबई प्रो शो जीतने के बाद भुवन चौहान ने आप पे कमेंट किया था, मतलब अली बिलाल इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसको डर था कि वो हार जाएगा तो आप अपने ओपिनियन से दीजिए प्लीज नहीं यार मैं कुछ नहीं कहना चाहता यार, नो कमेंट ओके सर ओके। अच्छे एथलीट नजर आए, पर भुवन के यार ऑनेस्टली देखो मैं अपने बारे में बड़ी बातें नहीं करना चाहता ना, छह सात हफ्तों में मिल लेंगे, देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। मैं खुद को ब्रेंडन हैंड्रिक्सन के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। ओके ठीक है ना, जो जो एक जिनके पास टाइटल है उनके पास ओलंपिया टाइटल है, मेरे पास अमर क्लासिक टाइटल है। Exactly. और वैसे ये शो इधर उधर गलियों में ये तो होते रहते हैं, तो हर कोई जीतता है। 80 एथलीट्स आ रहे हैं, 80 एथलीट आ रहे हैं जो सब चाहते हैं कि मुझे बीट करे, ब्रेंडन को बीट करे। तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि सारे हमसे जीत जाएंगे।
तो दोस्तों अगला अपडेट है हमारे गुड बीटो की तरफ से। दोस्तों इन्होंने अभी कम्पीट किया था मसल कॉन्टेस्ट नेशनल प्रो शो जो कि ब्राज़ील में हुआ था। तो दोस्तों आप इनकी फिजिक देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने धमाल कर दिया है और इस कॉन्टेस्ट में उन्होंने अपना प्रो कार्ड जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये प्रो कार्ड होल्डर बन चुके हैं, आप खुद देख सकते हो फोटो में इन्होंने प्रो कार्ड जीता हुआ है। तो आपको इनकी फिजिक कैसे लगी दोस्तों कमेंट्स करके बता ही सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।